हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं कोल्ड कॉफ़ी। मैं तीन तरह से आज इसे बनाने वाली हूँ और बहुत सिंपल तरीके से बनाने वाली हूँ, जो बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होती है। तो आप लोग को भी ज़रूर पसंद आएगी ये रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसे हम कैसे घर पर आसानी से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं हमें क्या क्या चाहिए। हमने यहाँ पे लिया है कॉफ़ी लिया है, चीनी, शुगर, कोको पाउडर, मिल्क पाउडर, 1.5 कप दूध और चॉकलेट सिरप और कुछ आइस क्यूब हमें चाहिए। तो सबसे पहले जिस गिलास में हम कॉफ़ी को सर्व करने वाले हैं उसमें हम थोड़ा सा चॉकलेट लगा कर करके चॉकलेट सिरप से इसे लगा कर करके थोड़ी देर के लिए हम इसे रख देंगे फ्रिज में, ताकि ये सेट हो जाए इस तरह से। और हम एक छोटा सा गिलास लेंगे, उसमें हम डाल लेंगे 2.5 चम्मच, छोटा चम्मच टीस्पून मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, 2.5 टीस्पून कॉफ़ी का, 1 टीस्पून कोको पाउडर और 3 से 4 चम्मच चीनी का। साथ ही इसमें हम डालेंगे हल्का गुनगुना पानी और इन तीनों चीज़ों को अच्छे से हम घोल लेंगे, तब तक चीनी पूरी अच्छे से घुल नहीं जाती। फिर हम लेंगे एक ब्लेंडिंग जार, इसमें हम इस मिक्सचर को डाल देंगे। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 2 से 3 चम्मच मिल्क पाउडर। इसे डालने से हमारी कॉफ़ी एकदम गाढ़ी और क्रीमी बनेगी, तो इसे अगर है तो ज़रूर यूज़ करिएगा। तो 3 चम्मच मैंने डाला है, 4 आइस क्यूब मैं इसमें डाल दे रही हूँ। अब यहाँ पर 1.5 कप मैंने एकदम ठंडा दूध लिया है, वो भी हम इसमें डाल देंगे। अब इसे हम अच्छे से एकदम 3 से 4 मिनट तक ब्लेंड कर लेंगे। लीजिए, तैयार हो गई है कॉफ़ी हमारी ठंडी ठंडी एकदम। देखिए कितनी गाढ़ी बनी है, झाग कितना सारा इस पर आ गया है। ऊपर से थोड़ा सा हम इसे गार्निश कर देंगे। तो मैं यहाँ पे 1 चम्मच वनीला आइसक्रीम डाल दे रही हूँ ऊपर से, थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर डाल देंगे और चॉकलेट सिरप। लीजिए, कॉफ़ी तैयार है, बस ठंडी ठंडी आप इसे सर्व करिए। अब चलिए दूसरे तरह से बनाते हैं। तो फिर एक गिलास लेंगे हम, उसमें भी हम 2.5 चम्मच कॉफ़ी का डालेंगे, हल्का गुनगुना पानी डालेंगे और इसे अच्छे से घोल लेंगे हम। अब फिर से हम एक ब्लेंडिंग जार लेंगे, उसमें हम ये कॉफ़ी वाला मिक्सचर डाल देंगे। अब यहाँ पे चीनी की जगह पे मैं कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क ना हो तो आप चीनी का इस्तेमाल करिएगा। तो 2.5 चम्मच मैंने यहाँ बड़ा चम्मच इसमें कंडेंस मिल्क डाल दिया है। मैं किटकैट कोल्ड कॉफ़ी बना रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने 2 किटकैट लिया है। इसे सबसे पहले मैं तोड़ लूँगी। तोड़ लिया है, अब इसे छोटे छोटे टुकड़े करके ब्लेंडिंग जार में हम डालेंगे। एक मैंने गार्निशिंग के लिए बचा लिया है। फिर से इसमें हम मिल्क पाउडर भी डाल रहे हैं 2 चम्मच, थोड़ा सा चॉकलेट सिरप लगभग 2 चम्मच,
और 1.5 कप ठंडा दूध। दो चम्मच हम इसमें आइसक्रीम का भी डाल रहे हैं। अब इसे हम फिर से ब्लेंड कर लेंगे अच्छे से 2 से 3 मिनट तक रुक रुक के। लीजिए किटकैट कोल्ड कॉफ़ी रेडी है। देखिए कितनी झागदार बनी है ये, एकदम गाढ़ी गाढ़ी, ये देखिए। इसे भी हम ग्लास में सर्व कर लेंगे। ऊपर से जितना भी झाग आया है हम ऊपर पे इसमें रख देंगे गिलास पे। एक चम्मच आइसक्रीम का भी रख देंगे। साथ में हमने जो किटकैट रखा था वो डाल देंगे इस पर। ऊपर से थोड़ा सा कॉफी डाल देंगे और चॉकलेट सिरप से गार्निशिंग कर देंगे। लीजिए किटकैट कोल्ड कॉफ़ी रेडी है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये। अब तीसरे तरह से हम बना रहे हैं, तो हम बना रहे हैं कॉफ़ी विथ आइसक्रीम। तो इसके लिए भी हम 2.5 चम्मच कॉफ़ी का लेंगे, 1 चम्मच कोको पाउडर, इसमें भी 2 चम्मच पानी डाल के इसे अच्छे से हम घोल लेंगे। फिर से लेंगे हम ब्लेंडिंग जार, इसमें हम इसको डाल देंगे कॉफ़ी के मिक्सचर को। साथ में इसमें 2 से 2.5 चम्मच हम कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल करेंगे। इसकी जगह पे चीनी भी डाल सकते हैं, तो 2.5 चम्मच हम इसमें कंडेंस मिल्क डाल देंगे। साथ में 2 से 3 चम्मच आइसक्रीम का, जितना आपको पसंद हो। मैं यहाँ पे 2 बड़ा चम्मच डाल रही हूँ। 1 चम्मच मिल्क पाउडर और 1.5 कप दूध। अब इसे भी हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। ये लीजिए तैयार हो गई हमारी तीसरी कॉफ़ी भी। देखिए कितनी गाढ़ी बनी है एकदम। ऊपर से हम जितना भी इसमें झाग आया है रख देंगे गिलास में। एक चम्मच आइसक्रीम का भी डाल देंगे। तो हमारी तीसरी कॉफ़ी भी बनकर के रेडी है। ऊपर से थोड़ा सा कोको पाउडर और चॉकलेट सिरप से हम इसे गार्निश कर देंगे। लीजिए बनकर के तैयार है हमारी कॉफ़ी। बस इसे ठंडा ठंडा एकदम सर्व करिए। आपको रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलती हूँ, अब मिलूँगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।